वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कनाडा में अगर आप लोग रहने वाले हैं तो आपका कितना खर्चा आएगा। डिफरेंट स्टेट्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट सिटीज के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे इसमें। ऑब्वियसली डिफरेंट स्टेट्स नहीं, यहाँ पे प्रोविंसेस होती हैं कनाडा में, बट मैंने तीन ऐसे मेजर एग्जांपल्स दिए हैं जहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे आपके मंथली कॉस्ट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा यार। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है जिस पर हम ऐसा डेली कंटेंट पोस्ट करते हैं, तो प्लीज़ वहाँ पर भी कंसीडर कीजिए फॉलो करना, जिससे कि हमारे को मोटिवेशन मिलेगा ऐसा और कंटेंट आपके लिए ला सके। तो गाइस सबसे पहला जो मैं आपको चीज़ें बताऊँ कि किस किस चीज़ की कॉस्ट हमने कंसीडर करी है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देखेगा मेजर जो कॉस्ट यहाँ पर समझ आई है, जो मंथली कॉस्ट सबकी आती है भाई, तो मिनिमम इतना आपका पड़ेगा। एक तो आपका आ गया अकोमोडेशन का कॉस्ट, ठीक है, फिर आपका आ गया फूड एंड ग्रोसरीज। ये चीज़ ऐसी है कि भाई हर स्टेट में बेसिकली डिफरेंट थोड़ा सा कॉस्टिंग यहाँ पे रहेगा, हर प्रोविंस में डिफरेंट हो जाएगा, बिकॉज कुछ प्रोविंसेस महंगी हैं, कुछ प्रोविंसेस सस्ती हैं, बट कितना कॉस्ट आएगा उसका आपको एस्टिमेट दिया जाएगा। फिर आपका हेल्थ केयर, हेल्थ केयर एक ऐसी चीज़ है जो कि कनाडा में एक बेसिकली पब्लिक हेल्थ केयर रहता है, तो उस पब्लिक हेल्थ केयर का मैंने कॉस्ट यहाँ पर डाला है। सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस का नहीं डाला है, इंश्योरेंस तो थोड़ी सी सस्ती भी होती है आपकी, बट आप पूरे साल में बेसिकली जितना भी खर्चा करोगे ना हेल्थ केयर को, उसको मैंने 12 से डिवाइड करके मंथली का डाल दिया है, एवरेज एक्सपेंस यहाँ पर डाला गया है, ठीक है। सेम टू सेम आपका आएगा ट्रांसपोर्टेशन में, आप कितना खर्चा करेंगे डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ पर रह रहे हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस बहुत डिफरेंट होने वाला है, तो ये चीज़ को आप देख लेंगे। और उसमें आपका फ़ोन, वाईफाई कनेक्शन बेसिकली जो आपके होते हैं, आपको ये आज की डेट में नेसेसिटी है, इसके बिना काम नहीं चलता है, पढ़ाई भी नहीं कर सकते हो, काम भी नहीं कर सकते यार, तो ये चीज़ों के मैंने कॉस्ट जोड़ दी है। लीजर एक ऐसा चीज़ है जिसका कॉस्ट मैंने नहीं जोड़ा है। लीजर एक सबका अपने अपना रहने का तरीका होता है, कोई आदमी है जो बहुत ही ज़्यादा शान से रहना पसंद करता है भाई, बहुत महंगी महंगी चीज़ें लेकर के रहते हैं, कोई है कि भाई बहुत मिनिमलिस्टिक वे में भी चला लेते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन आपका क्या खर्चा आएगा लीजर का मैंने कॉस्ट नहीं ऐड किया है। यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं अपना कमोडिटीज़, मैंने कुछ ऐड करी है, कमोडिटीज़ में आप क्या आती है इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, ट्रैश, सीवेज। आपको लगेगा यार ये ट्रैश सीवेज इनकी तो क्या ही कॉस्ट होती है, वाटर इसकी भी कोई कॉस्ट होती है, ज़्यादा थोड़ी होती है, तो हमारी कंट्री में नहीं होती है भाई, पर बाहर की कंट्रीज़ में इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, और ये सिग्निफिकेंट कॉस्ट है जो आप मंथली बेसिस पे करोगे। जब आप $50-50 पे कर रहे होगे ना गैस का, आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत ही कम होता था मेरी कंट्री में, तो बट यार है ऐसा तो है। तो इन सब की कॉस्ट मैंने कमोडिटीज़ के सेक्शन में क्लब करके रख दिया, आपको एक एक चीज़ की कॉस्ट एवरेज में निकाल करके दिखाऊंगा, उससे अच्छा मैंने सोचा क्लब करके मैंने आपको इसकी सारी कॉस्ट दिखा दी है, ठीक है। तो ये ऐसे सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, जिनको मैं अभी नेक्स्ट में टेबल में लेने वाला हूँ, और इन सब की एक एक करके कॉस्ट आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमारा एक तो आपको दिखेगा कि मैंने लोकेशन क्या क्या ली है, यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस आ गए हैं, सेम टू सेम जो भी मैंने समझाए हैं वो सारे एक्सपेंसेस आगे आ गए हैं, और लोकेशन क्या ली है यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। एक तो हो गया आपका टोरंटो, टोरंटो बेसिकली आपकी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लोकेशन ओंटारियो की प्रोविंस में, सबसे मेजर पॉपुलर लोकेशन अगर कहेंगे कि जो भी कनाडा में है वो टोरंटो ही है, ठीक है। दूसरी ली गई है आपके लिए वैनकूवर, जो कि सेकेंड मोस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर लोकेशन रहती है। और फाइनली मैंने लिया है यहाँ पर क्यूबेक। क्यूबेक आप कहेंगे कि भाई ये तो भाई एक प्रोविंस ही हो गया पूरा, तो इसमें मैं आपको बता दूं मैंने सिटी भी कौन सी ली है। सिटी ली है बेसिकली हमने मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल। अब इसमें बेसिकली आपको तीनों में कंपैरिजन दिख जाएगा, सामने सामने आपके करके दिखाऊंगा मैं। ये मैं यहाँ पर से टिक मार्क हटा देता हूँ, और अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो वो आ गया आपका एकोमोडेशन का। एकोमोडेशन का आपका कितना खर्चा बैठ जाता है भाई मंथली बेसिस पे, वो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ एवरेज। तो एवरेज आपको जो टोरंटो में दिखेगा कि भाई अगर आप रह रहे हो स्टूडियो में भी रह रहे हो ना, और दो लोग मिलके रहते हैं मोस्टली, ऐसा क्या होता है हम लोग क्या करते हैं, हम शेयरिंग बेसिस पे रह लेते हैं, शेयरिंग बेसिस पे भी अगर आप रह रहे हो और थोड़ा अच्छा लोकेशन पे आपका अपार्टमेंट है, वैसे तो ये रेंज होनी चाहिए, बट मैं आपको एवरेज बताऊंगा। और मेरे को कमेंट में ये मत बोलना कि भाई हमारा तो इससे $200 कम है, हमारा ज़्यादा है, इससे नीचे का हमें कुछ मिला नहीं। यार ये थोड़ा लोकेशन पर डिपेंड करेगा, आप टोरंटो में एक्जैक्टली कहाँ हैं, दूसरी बात थोड़ा बहुत आपका कितना अच्छा अपार्टमेंट है उस पर एवरेज दे रहा हूँ यहाँ पर मैं। तो आपका अकोमोडेशन का एवरेज आ जाएगा $1,000 के आसपास बेसिकली, ये आपका कैनेडियन डॉलर में है, जो भी मैं यहाँ पे अमाउंट बता रहा हूँ सारा कैनेडियन डॉलर्स में ही है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। वैनकूवर में आपका यही चीज़ बैठ जाएगा करीब करीब $800 के आसपास, और यही चीज़ अगर आप मॉन्ट्रियल में बात करते हैं सबसे लोएस्ट यहाँ पर है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका $500 के आसपास। ये मॉन्ट्रियल अगर आप ले रहे हैं ना, इसको आप ये चीज़ समझिए मॉन्ट्रियल सिर्फ मॉन्ट्रियल नहीं डिपेक्ट करता है, इसमें काफ़ी सारे आपके ऐसे भी प्रोविंसेस हैं जहाँ पर लोग जाना नहीं भी पसंद करते हैं ज़्यादा, है ना। अब आपका कोई न्यू ब्रंसविक हो गया, प्रिंस एडवर्ड्स आइलैंड हो गया, ये सब का भी अगर आप कॉस्ट देखेंगे ना करीब करीब मॉन्ट्रियल के आसपास बैठेगा। वैनकूवर भी काफ़ी अच्छी लोकेशन में से आ जाता है, तो उसका थोड़ा सा मीडियम कॉस्ट है, टोरंटो का सबसे हाईएस्ट कॉस्ट है, ठीक है। बट आपका कहीं ना कहीं इनके बीच में ही जा करके बैठेगा कॉस्ट, वैनकूवर और क्यूबेक के, अगर आप कहीं और जा रहे हैं तो भी, ठीक है। अब आपका बात करते हैं फूड एंड ग्रोसरीज की। तो फूड एंड ग्रोसरीज का आपको एक चीज़ समझ आनी चाहिए, यहाँ पे हर चीज़ का ना कॉस्ट अलग अलग है हर जगह पे। अगर आप सेम चीज़ खरीद रहे हैं, मान लीजिए आप पानी की बोतल खरीद रहे हैं एक टोरंटो में, तो आपकी वो थोड़ी सी महंगी हो सकती है, हो सकता है वो आपको $2 की मिल जाए, और यहीं पर आप वही चीज़ आप ले रहे हैं क्यूबेक में, वही बॉटल ले रहे हैं आप मॉन्ट्रियल में, मान लीजिए वही बॉटल हो सकता है आपको मिल जाए वहाँ पर $1 में।
ठीक है, अब डिपेंड करता है आप कौन सा तरीके का पानी पीते हैं, सस्ता भी आता है महंगा भी आता है, ठीक है, बट सेम बॉटल की बात करें तो भी वो डिफरेंट प्राइस में हो सकता है। अभी हमारे इंडिया की तरह नहीं है कि बेसिकली आपका जो कॉस्ट होगा वो MRP आ जाएगा भाई, कि इससे ऊपर तो आप बेच ही नहीं सकते, गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर दिया भाई मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका फूड एंड ग्रोसरीज की बात करते हैं, तो जो एवरेज आपका बैठ रहा है यहाँ पर टोरंटो में करीब करीब, वो आपका 694 के आसपास बैठ रहा है। आप $700 भी लगा सकते हैं, कोई नहीं, एवरेज के लिए मैंने 694 आपको एक्यूरेट निकाल करके दे दिया है। दूसरा वही चीज़ वैंकूवर में, अगर आप वही सेम चीज़ का खर्चा कर रहे हैं, आपको वही $550 के आसपास बैठ रहा है वही सेम चीज़। फाइनली अगर आप जाते हैं मॉन्ट्रियल की तरफ, तो यहाँ पर वही चीज़ आपको करीब करीब 448 कैनेडियन डॉलर्स के आसपास में दिख जाएगी आपको, ठीक है। तो ये सारे आपके हो गए फूड एंड ग्रोसरीज के खर्चे। अब करते हैं हेल्थ केयर की बात। भाई देखिए, हेल्थ केयर वैसे ना कनाडा में एक पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे, एक पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है जो कि पूरे कनाडा में लागू होता है। अब हर एक प्रोविंस उसको अपने अपने तरीके से मैनेज करती है, किसी में वो कोई इंक्लूजन हटा देते हैं, किसी में कुछ इंक्लूजन डाल देते हैं कि भाई आपका इस चीज़ का खर्चा भी हमने कवर कर लिया, इसका भी कर लिया। कोई प्रोविंस कहिए कि नहीं भाई हम नहीं कर सकते इतना खर्चा कवर, हम तो इसका हटा रहे हैं उसका हटा रहे हैं। वो डिपेंडिंग ऑन उस प्रोविंस में कितना टैक्स पे होता है, हर चीज़ के बेसिस पे बेसिकली थोड़ा बहुत खर्चा डिफरेंट रहता है। दूसरी बात, ये जो आपको मैं खर्चे बताने वाला हूँ हेल्थ केयर के, ये सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के नहीं है, ये आप टैक्सेस पे करते हैं उसमें से एक पार्ट भी जाता है इसके तरफ, है ना। तो ये हेल्थ केयर का जो कॉस्ट है ना, सबके लिए अलग अलग बैठ जाता है, सबकी सैलरी के डिपेंडेंट अगर हम देखेंगे ना, सबकी सैलरी के डिपेंड होते हुए वो अलग अलग बैठ जाता है। एक रेंज हो सकती है, इसको कह सकते हैं हम, काफ़ी बड़ी रेंज थी यार, बट मैं यहाँ पे मंथली आपको कॉस्ट बताने वाला हूँ, तो मैं हेल्थ केयर का आपको एक एवरेज कॉस्ट बता रहा हूँ, और सब में ही ये कॉस्ट इन जनरल मैंने सेम लिया है, बिकॉज अगेन वो इसका मैं आपकी सैलरी के बेसिस पे तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूँ, है ना। बट जो पब्लिक हेल्थ केयर है अगर आप उसको ले रहे हैं, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस भी आपकी है और आप पूरे साल में जितना खर्चा कर रहे हैं उसको मैंने 12 से डिवाइड करा है, तो ये आपका खर्चा बैठ रहा है करीब करीब, तो ये कहीं ना कहीं आपका आकर के 713 कैनेडियन डॉलर्स के आसपास बैठ रहा है। ये हर जगह पे सेम है, 713 तीनों में ये आपका सेम ही बैठ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हेल्थ केयर का मैं बहुत अच्छे से एवरेज नहीं कर सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन आप कौन है आपके ऊपर बहुत चेंज हो जाएगा। अच्छा, आप बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली मैंने आपका ना मंथली पास आता है यहाँ पर, कि आप टोरंटो के अंदर अंदर अगर मंथली आपको कितना भी ट्रैवल करना है तो आपने मंथली पास ले लिया, उससे ऊपर आपका खर्चा नहीं है, फिर वो आपका एक फिक्स खर्चा हो गया। सेम मैंने यही चीज़ किया वैंकूवर में भी, सेम मैंने यही चीज़ मॉन्ट्रियल में भी किया है, ठीक है। तो आपका एक जो मंथली पास है ना उसके बारे में बात करने वाले हैं, तो आपका कितना खर्चा आता है उसका सारी सिटीज़ का मैं यहाँ पे बोलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका टोरंटो का बेसिकली जो बैठ रहा है वो 156 कैनेडियन डॉलर्स के आसपास बैठ रहा है, ठीक है। यही चीज़ अगर आप जाते हैं वैंकूवर में तो इससे $125 का आपका हो गया, आप देखेंगे आपका यहाँ पर सिग्निफिकेंट करीब करीब आपका $30 के आसपास का डिफरेंस यहीं पर बैठ गया। फाइनली अगर आप यही चीज़ मॉन्ट्रियल में जाते हैं तो और सस्ता हो जाता है, और ये करीब करीब 92 कैनेडियन डॉलर्स के आसपास बैठ रहे हैं, तो ये और कम हो गया यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वही मैंने बताया है, आपको मंथली पास के बेसिस पे बता रहा हूँ, हो सकता है आप इससे कम भी कर लें, आप कम ट्रैवल करते हो तो आप वर्क फ्रॉम होम करते हो सकता है आपका इससे ऊपर भी चले जाए, बट इन जनरल ये मंथली पास के कॉस्ट हैं, जनरली सब लोग लेकर के रखते हैं अगर जिनको ज़्यादा ट्रैवल करना होता है। अच्छा, अब बात आती है कमोडिटीज़ की। कमोडिटीज़ में मैंने आपकी क्या क्या चीज़ें जोड़ी है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मैंने जोड़ी इलेक्ट्रिसिटी आपकी, गैस, वाटर, ट्रैश, सीवेज, ये सारी चीज़ों के एक्सपेंसेस मैंने ऐड किए हैं कमोडिटीज़ के अंदर, ठीक है। तो अब इनके मैं आपको एक एवरेज एक्सपेंस बता देता हूँ करीब करीब कहाँ कहाँ आकर के बैठ रहे हैं यार। तो टोरंटो में आपका आकर के बैठ रहा है 350 के आसपास कैनेडियन डॉलर्स, ये मैंने ऐड करके सारा आपको बताया। यही चीज़ आपकी वैंकूवर में बैठी है $342 के आसपास। फाइनली वही चीज़ अगर आप देखेंगे मॉन्ट्रियल में तो ये थोड़ा और कम हो गया, ये एक्सपेंस आपको पड़ जाएगा करीब करीब 325, ठीक है। तो ये आपके बैठ गए कमोडिटीज़ के कॉस्ट, आपको यहाँ पे भी दिखेगा हर चीज़ में मॉन्ट्रियल का अभी तक कॉस्ट थोड़ा सा लो जा रहा है, हर चीज़ में टोरंटो का सबसे हाईएस्ट जा रहा है, आप देखते जा रहे हैं। अभी मैं फ़ोन एंड इंटरनेट की भी बात करता हूँ, तो फ़ोन एंड इंटरनेट टोरंटो में जो देखा है मैंने वो है आपका $25 का कनेक्शन प्लस $38 का आपका इंटरनेट, तो ये करीब करीब आपका हो गया $63 के आसपास, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके $63 का, अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने कौन से कनेक्शन लिए हैं, इससे सस्ते भी आते हैं इससे महंगे भी आते हैं। $25 का जो मैंने आपका कनेक्शन लिया है उसमें अनलिमिटेड आपका टॉक टाइम और 1 GB डेटा है। यही मैंने सारा टोरंटो नहीं वैंकूवर के लिए भी यही टाइप का कनेक्शन लिया है मैंने, क्यूबेक के लिए भी मैंने, बेसिकली मॉन्ट्रियल के लिए भी मैंने यही टाइप का कनेक्शन लिया जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाएगी साथ में 1 GB इंटरनेट मिल जाएगा, ठीक है। तो वो $25 का प्लस आपका 38 जो आपका ये दिख रहा है मैंने 100 Mbps की इंटरनेट स्पीड वाला देख लिया है अनलिमिटेड, जिसमें आपको इंटरनेट मिल जाता है वाईफाई, ठीक है। टोटल आपका बैठ रहा है $63 यहाँ पर टोरंटो में। यही चीज़ की हम बात करते हैं वैंकूवर में, तो यहाँ पर 25 प्लस 40 ये आपका बैठ गया 65 बेसिकली आपका जो बैठ रहा है ये आप देखेंगे थोड़ा सा उससे ऊपर चला गया, बट वही चीज़ है यहाँ पे भी आपका $25 का कनेक्शन, वही जो सेम मैंने आपको बताया 1 GB डेटा प्लस अनलिमिटेड कॉलिंग प्लस $40 का आपका इंटरनेट बैठ गया,
ठीक है। और सेम आपको जब क्यूबेक में बात करते हैं हम लोग, तो 27 + 50 तो ये आपका बैठ रहा है करीब करीब 77 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा या आप देखेंगे ज़्यादा हो गया है मॉन्ट्रियल में। अब ये डिपेंड करता है कि भाई कितने लोग एक एरिया में कनेक्शन लेते हैं, उसके हिसाब से कॉस्ट वेरी करती है। तो हो सकता है कि भाई यहाँ पर टोरंटो में आपके ज़्यादा लोग कनेक्शन ले रहे हैं, तो थोड़ा सा पर कैपिटा कॉस्ट कम हो गई है, यही चीज़ आप देखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा हो रहा है स्पेक्ट्रम, बाकी हर जगह पर पूरा में टोरंटो सबसे कॉस्टलीस्ट रहा है, ठीक है। अब टोटल मैं आपको बता देता हूँ एक बार करके जल्दी से। तो टोरंटो में जो आपका टोटल बैठ रहा है वो करीब करीब 2976 कैनेडियन डॉलर्स के आसपास बैठ रहा है, ठीक है। अभी यही चीज़ आपकी वैंकूवर में बात करते हैं तो आपका बैठ रहा है 2595 के आसपास, ठीक है। ये आपका हो गया वैंकूवर का। आप देखेंगे कि यहाँ पर करीब करीब आपको $500 का ऑलमोस्ट डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और फाइनली अगर आपका मॉन्ट्रियल में बात करें तो वही चीज़ आपका आ रही है 2155, तो ये सबसे आपका लोएस्ट अभी तक का, ये बेसिकली आपका सबसे लोएस्ट कॉस्ट वाली प्रोविंसेस में से पड़ गया आपका मॉन्ट्रियल वाला जो दिख रहा है आपको, ये आपका है 2155। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख रहे हैं कि खर्चे जो हैं आपके बहुत ज़्यादा वेरी कर सकते हैं प्रोविंस के बेस पे। तो अगर आप मेरे से पूछते हैं कि भाई कनाडा में मैं रहता हूँ मेरे को कितना खर्चा आएगा अगर मैं जा रहा हूँ, तो वो आपका बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा आपके लाइफस्टाइल पे, और ये मिनिमल जो आपके खर्चे हैं ये आपके प्रोविंसेस पे डिपेंड कर जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर यही दिखाने की कोशिश की है, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए पढ़ने के लिए, आप देख सकते हैं हमारा कंप्लीट एप्लीकेशन पैकेज, जिसमें हम आपको टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ दोस्त, जहाँ पर आपको PGW भी मिलता है, काम करने को मिलता है, वहां पर भेजेंगे। अगर आपको जॉब करने के लिए जाना है और आपके पास स्किल है, तो हम आपका एक्सप्रेस एंट्री या PNP में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। उसके लिए एक्सप्रेस एंट्री या PNP वाली हमारी जो सर्विस है, आप वो देख लीजिए एक बार, तो उसमें आपका दोनों में ही प्रोसेसिंग करा देते हैं हम, ठीक है। तो ये दो ऐसी सर्विसेज हैं जिनको आप देख सकते हो वायमग्राड पे जाकर के, या फिर आप ऐसा कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपका पूरे प्रोसेसिंग में हम एंड टू एंड हेल्प करा सकते हैं, ठीक है। और जो आपके ये खर्चे हैं, इसको टाइम बहुत लगा यार निकालने में, तो अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को हिट कर दें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट।